अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल जब्बार। आप देख रहे हैं डिस्कवरी इन द वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं अल्लाह पाक के करम से। व्यूअर्स, सिंध का ये इलाका एक ज़रई इलाका कहलाता है। जहाँ से काश्तकार किसान सब्जियाँ, फल, फ्रूट मौसम के लिहाज से काश्त करते हैं। चावल की पैदावार सिंध और पंजाब में वाफर मकदार में की जाती है। हुकूमत की सरपरस्ती या इमदाद ना होने पर बहुत सी ज़मीनें काश्त होने से रह जाती हैं। यहाँ के किसान बहुत ही मेहनती हैं, बल्कि किसान होते ही मेहनती हैं। कम दस्त गरीब होने की वजह से ज़मीन काश्त नहीं होती। सिंध में चावल, गंदम, कमांद और कपास के फसलें अहम होती हैं। गांव के लोग हुनरमंद भी होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ के लोगों की सिंपल जिंदगी होती है। बहुत ही मेहनत कश लोग हैं यहाँ के व्यूअर्स। व्यूअर्स, गांव के बच्चे, बड़े, बूढ़े सब अपने कंधों पर काम का बोझ रखते हैं। व्यूअर्स, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरती है। इनके खुशगवार माहौल होता है यहाँ का। खाने पीने में भी खालिस चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। व्यूअर्स, यहाँ के खूबसूरती का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, इतना माशाल्लाह खूबसूरत जगह है। व्यूअर्स, यहाँ पर हर बंदा किसी न किसी काम में मसरूफ रहता है। व्यूअर्स, मज़ीद इसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।